40 की स्पीड में कौन सा तेज होता भाई? भाई ये देखो किसने मेरी फेक आईडी बना रखी। तो यार आर्मी एरिया में ना रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, तो मैं कैमरा हटा देता हूँ। भैया यहाँ पे कैंटीन कहाँ पे? पुलिस वाले यहाँ पे देखो इतनी गर्मी में ट्रैफिक का संभाल। सैल्यूट यार उत्तराखंड पुलिस को। सो हे गाइस, कैसे आप लोग? होप करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा रहना। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग होने वाला है आर्मी कैंटीन का। कुछ व्यूअर्स को पता नहीं होगा, अपने जीजू आर्मी में, फिर घर का जितना भी सामान आता है फिर आर्मी कैंटीन से हमें सस्ता पड़ता ना, इसीलिए आज मेगा दी और मैं जाने वाला है आर्मी कैंटीन में। और हमारे घर पे आ रखा है रॉबिन, जो कि हमारे साथ जाने वाला है। और मेगा दी हमें बैठ रखी है। क्या देख रही थी? बस कपड़े देखने का काम है भाई। लड़कियों का बस एक काम होता है, शॉपिंग करो शॉपिंग करो शॉपिंग करो। शॉपिंग करने के अलावा ऐसे आता ही नहीं कुछ, जबकि खरीदती कुछ नहीं है, बस उसे देखना है। खरीदना लेना तो है नहीं। जीजू ने भाई इतना बोल दिया से कि अपने लिए शॉपिंग करा कर, अपने लिए कपड़े खरीद, बट मेगा दी खर्चे करने वालों में से है नहीं भाई। इतना बचाती है ना, दिखा जाएगी इतना बचा के क्यों भाई? अब देख रही तो खरीद लेना, मंगा ले भाई, यूट्यूब इनकम आएगी तो मैं दिला भी दूंगा उस दिन। तुमने लिए 10 कुर्ती 10 टॉप, क्यों? जीजू ने बोल रखा जब ले ले तो ले ले, क्यों पैसे वेस्ट नहीं करने जीजू के। आयो प्यारा, सबको ऐसी वाइफ मिले जो कम खर्चा करे, ऐसी मेरी बहन है ना, इन फ्यूचर हम ऐसी वाइफ ढूंढेंगे अपने लिए भी। तो भाई हम घर से निकल चुके हैं ना, देखो दो दो ब्लॉगर अपने पास, एक मेगा दिया एक अपना रॉबिन। तो भाई जब अपने पास दो दो ब्लॉगर होते हैं ना तो बहुत दिक्कत आ जाती है भाई, कभी इनका कॉन्टेंट आ गया आ गया फिर मेरा ब्लॉग लोग देखेंगे ना। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारा ब्लॉग सबसे पहले आए। तो सबसे पहले तो आदमी स्कूटी पर कपड़ा मारता है भाई, बहुत गंदी कर रखी मैंने उसको, हम इसकी केयर नहीं करते ना, इसलिए तो बार बार ख़राब करती रहती है। गाइस अभी करते हैं टॉर्क को गोल्ड स्टार, इसको यहाँ डाल दें। तो गाइस हमारे साथ आने वाली है एंटॉर्क और रॉबिन की रॉकेट, इसने तो अपनी गाड़ी का नाम रॉकेट रख रखा है। तो जल्दी अपनी गाड़ी का नाम भी सोचेंगे, कमेंट करके बताना कि हम अपनी स्कूटी का क्या नाम रखें। अबे मच्छर, ये गाड़ी कैसे हो गई? चाबी मैंने अपने हाथ पर रख रखी थी और गाड़ी फिर भी चल रही है। खतरनाक फीचर है भाई एंटॉर्क का। इससे पहले तो यार एंगल चेक करते हैं, एंगल सही आ रहा कि नहीं आ रहा। आइयो यार सही आ रहा होगा, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज आया नहीं, मैंने मोटर ब्लॉगिंग करी भी नहीं है। घर पर कन आराम से लोन घर नहीं कर, स्टार्टिंग में पहले उठाना पड़ती गाड़ी। रॉबिन चल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ, मैं अभी ना मोटर ब्लॉग कर रहा हूँ, तो रॉबिन का अमाउंट लेके कर रहा हूँ। तो गाइस एक बार इसको भगा के देखते हैं भाई कितना तेज भागती है ये। तो 40 की स्पीड में कौन सा तेज होता है भाई? भाई मेरा जी पीछे डर रही, मेरा जी बोल रही कि तू स्पीड में चला रहा है, मैं तुझे माउंट में लगाऊंगी। और जैसे तुम धर्मपुर पे आओगे भाई, यहाँ पे जाम ही देखने को मिलेगा, इतनी धूप में आज जाम में खड़ा नाम बहुत बेकार लगता मेरे को। राइट दे दो अंकल, ट्रैफिक लगता है वो देखा, ब्रेड सिग्नल लग गया, फिर से यहाँ पर खड़ा रहना पड़ेगा। तो 57 सेकंड पूरे चल जाइए, मैं चला रहा गाड़ी की तू चला रही गाड़ी। यार वैसे मुझे हेलमेट पहनने की आदत नहीं है, और इस हेलमेट तो इतना गर्म लग रहा है ना भाई साहब, भारी भारी सा भी लग रहा है। तो क्लेमेंट डाउन का ये सीन है, पिछली बार ही गया था ना तो मुझे एंट्री नहीं मिली थी, वहाँ आर्मी वालों ने मुझे रोक दिया था कि तुम्हारे पास कार्ड नहीं है तो भाई तुम बाहर आओ। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम गड़ी कैंट वाली में जाएंगे। अबे इतना स्पीड, इतना तो जल्दी यार भाई, इतना तो जल्दी नॉर्मली चल लूँ भाई, 30-40 भी नहीं चल लूँ भाई, 30-40 की स्पीड हूँ देख बाबा। तो भाई तो बराबर मैं ही चलाऊँ, 25 स्पीड। यार ये बहुत मेहनत का काम है भाई, पुलिस वाले यहाँ पे देखो इतनी गर्मी में इस ट्रैफिक को संभाल रहे हैं, और हम यहाँ भाई स्कूटी नहीं चला पा रहे बाहर। तो यार इस गर्मी में ट्रैफिक को संभालना भाई बहुत मुश्किल है। सैल्यूट यार उत्तराखंड पुलिस को। तो गाइस स्कूटी होने का फायदा, आराम से किनारे से निकालते जाओ कार का। तो यार किनारे पे खड़े रहने वाला बेकार है। ओ भाई ये जीजू की ड्रीम कार था, बुलेट छीन ली, हाँ
दिला दी यार, बाइक दिला दी ऐसे बढ़िया। तो भाई हम जा रहे थे गड़ी कैंट और मेगा जी को रास्ता ही नहीं पता भाई, जबकि मैं आ भी नहीं रखा हूँ कैंटीन में, जा तो मेगा जी रखी है। और यार अभी ना वॉइस की प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं ना बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ क्योंकि मीडिया मोड तो है नहीं मेरे पास और माइक तो है नहीं मेरे पास। गड़ी कैंट में क्या मस्त लग रहा है। ओ भाई टैंक देखो क्या मस्त लग रहा है। तुझे गड़ी कैंट नहीं लग रही है? आर्मी एरिया तो है पूरा, कैंटीन भी यही है। भैया यहाँ पे कैंटीन कहाँ पे है? उसको पता ही नहीं यार कहाँ पे कैंटीन है। मैं अंदर मेगा जी भुलक्कड़ है कसम से, अब हमें पहले कैंटीन ढूंढनी पड़ेगी। भैया यहाँ पे कैंटीन कहाँ पे है? कैंटीन इधर है, इधर साइड। ओके थैंक यू। तो भाई भैया ने बताया कैंटीन है हमारे राइट साइड में। कैंटीन तो छोड़ दो, मेगा जी बोल रही ये तो गड़ी कैंटीन ही है, मैं यहाँ तक आई नहीं कभी। बट यार आर्मी एरिया बहुत खूबसूरत बना रखा है इन्होंने कसम से। तो यार आर्मी एरिया में ना रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, तो मैं कैमरा हटा देता हूँ। तो फाइनल वाइज हम पहुँच चुके हैं कैंटीन में, और यहाँ ना व्लॉगिंग अलाउड नहीं है, आर्मी वाले मना कर देंगे तो फ़ायदा भी नहीं है व्लॉग बनाने का। तो यहाँ से सामान लेते हैं तो गाइज रॉबिन और मेरा कट चुका है, मेगा दी को तो अलाउड कर दिए क्योंकि मेगा दी का था कार्ड। रॉबिन और मेरे को ना भाई साहब उन्होंने बोला कि हमारा कार्ड है नहीं, तुम जाओ बाहर। आए तो हम बड़े शिद्दत के साथ थे कि हम आर्मी कैंटीन देखेंगे, बट देख ही नहीं पाया भाई। मैं पिछली बार भी गया मेरे साथ ऐसी हुआ, और इस बार भी गया मेरे साथ ऐसी हुआ, पता नहीं क्यों किस्मत में खोट। क्योंकि भाई एक बार मेगा दी के साथ मामा मामी भी गया था ना, तो उनको तो अलाउड कर दिया था, बट हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। और हमको अभी तक अलाउड नहीं किया इन्होंने, ना मैंने अभी तक आर्मी कैंटीन देखी। अब मुझे लग रहा आर्मी का पहले कोटा निकालना पड़ेगा, तभी हमें अलाउड करेंगे अंदर। फिर अभी हम बैठ रखे पार्किंग में, तो हमें यहीं पे मेगा दी का वेट करना पड़ेगा तब तक के लिए। तो गाइस हमें भाई यहाँ पे रहते रहते पैर दर्द कमर दर्द सर दर्द सब कुछ हो चुका है। और रॉबिन भाई देखो कैसे बैठ रहा है यहाँ पे, रॉबिन बोल रहा होगा कि मैं बेकार ही आया यहाँ पे, ना व्लॉग बना अच्छे से ना कुछ हो पाया। और हम यहाँ पे फालतू गर्मी से मर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं भाई कुल्फी खा लेते हैं। चला जा भैया गूगल पे चल जाएगा यहाँ पे। तो यार इस कुल्फी का सेप देखो, ये ना देंगे क्या, दो गिलास पे डाल रखी थी 20 से काटी और उसका सेप ऐसा बन गया। तो फाइनली भाई सारा सामान आ चुका है, और मेगा दी ने भाई कितना सारा सामान कर रखा है। क्या क्या है ये, जूस की बोतल है ये, डाल दे सारा ऐसे डाल दे फिलहाल। भाई ये देखो अब भाई साहब क्या क्या ला रही थी मेगा जी, मजा आ गया मेगा जी अपने लिए ला रही थी क्या इतना सारा सामान। तो यार ये डिग्गी तो फुल होगी, तो यार कुछ सामान अब रॉबिन की स्कूटी पे डालते हैं, लग नहीं रहा ऐसे मजा आएगा। आ जाएगा आ जाएगा, किनारे डाल किनारे किनारे। तो फाइनल भाई सारा सामान गाड़ी पे आ चुका है, मेरी स्कूटी पे भी आ गया, रॉबिन की स्कूटी पे आ गया। मतलब यार डिग्गी तो लग भी नहीं रही थी, हमने जोर से प्रेस किया तब जाकर डिग्गी लगी। यार रॉबिन का व्लॉग नहीं बनाया, तो रॉबिन को मैं गोप्रो दे दूंगा, फिर रास्ते में चलते चलते वो मोटो व्लॉग बना देगा ना, तो मैं इसकी थोड़ा क्लिप्स लगा दूंगा, फिर सिनेमैटिक शॉट लगा दूंगा। मैं जूस पीने के लिए जहाँ पर भैया बना रहे हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, मेगा दी बोल रही थी ये पक्का बनाते हैं अच्छा। ऐसा हो रहा अच्छा हो रहा है वैसे अच्छा हो रहा है। तो गाइस जूस तो हमने पी लिया है, टू बी ऑनेस्ट यार कितना मस्त हो रहा था ना कसम से। कभी भी पल्टन मार्केट में आओगे ना आप, तो राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स है उसके जस्ट सामने पे आपको ये जूस कॉर्नर दिख जाएगा, और यहाँ पे मेगा दी ले रही कपड़े। मेगा दी को कहीं भी कपड़े दिख जाए ना मेगा दी शॉपिंग करने लग जाती है। तो यार मेगा दी ने यहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि मेगा दी को कल आना है अंजलि जी के साथ, तो एक होना चाहिए ना साथ में बताने वाला कि कैसा लग रहा है। हम जो पूछ रहे मेगा दी, हम तो बोल रहे सभी अच्छा लग रहा है, बहन है भाई तो तारीफ तो थोड़ा बहुत करनी पड़ती है। फिलहाल यहाँ से हमारा डन हो चुका है, यहाँ से निकल रहे हैं मैं सीधा घर को, और गोप्रो जाएगा रॉबिन पे क्योंकि मोटर ब्लॉक कर रहा ना, तो सीधा आपको घर पर मिलेंगे। तो फाइनली वाइज मैं घर पे आ गया हूँ, और जैसे ही मैं घर पे आया मैंने इंस्टाग्राम चेक किया, भाई ये देखो आप किसी ने मेरी फेक आईडी बना रखी है, और डिस्क्रिप्शन में देखो क्या लिख रखा है, रॉयल लड़का नीड GF वाह, और फोटो भी लगा रखी है भाई मेरी। इसकी स्टोरी चेक करी मैंने, पता नहीं कोई लड़की की स्टोरी लगा रही इसने, मेरी लड़की पता नहीं कहाने, मेरे जान पहचान भी नहीं आई है। आई डी देखता हूँ एक बार,
ये आई डी कौन है? ये लड़की ना मेरे पहचान में ना, इसके साथ मेरा कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, पता नहीं कौन है, बट यार मैंने चेक किया भाई मेरे होश उड़ गया। ये देखा भाई मेरी आईडी से मेरे को रिक्वेस्ट आ रही है कौन रोहित रावत होगा, मुझे लगा कोई दूसरा रोहित रावत होगा। ऐसे ही मैंने प्रोफाइल के अंदर चेक किया ना, वो पता नहीं कौन निकल रहा है, उसने मेरी फोटो भी डाल रखी है। तो इस लड़का है फिर लड़की जो भी है ये, तो इसको मैसेज करके पूछता हूँ भाई है कौन ही है पहले, क्यों बना रही किसने ये आईडी।